VXI वेरिएंट है, और किलोमीटर कितना चला इसका? 40,000 40,000 अराउंड किलोमीटर चला इसका। और आस्किंग क्या, किलोमीटर कितना चला इसका? ये ज्यादा नहीं, 20,000 चला हुआ है। 20,000 चला हुआ किलोमीटर। और प्राइस क्या रखा है इसका भैया? इसका प्राइस 75,000 के आसपास किलोमीटर चला है इसका। चार कंडीशन आप लोग देख सकते हो, और ये 95,000 आस्किंग प्राइस है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, तो भैया इसके बारे में बता। ये 2014 का मॉडल है, इसका प्राइस पड़ जाएगा आपका। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले सेकंड हैंड शोरूम का जो हमने वीडियो बनाया था बाइक का, आप लोगों ने काफी प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसलिए आज हम लोग आए हैं सेकंड हैंड बाइक शोरूम पे, नहीं कार शोरूम पे। प्रियोन फोर व्हीलर आपको यहाँ पे मिलेगा, और कहा ये है अजमेर कार वर्ल्ड जो है मंगलबारी चालुसा में। और यहाँ पे आपको वैगनआर के साथ साथ यहाँ पे स्विफ्ट डिजायर, ये सब कुछ जो आपके बजट में होगा, बेस्ट माइलेज, लो मेंटेनेंस, ये सब गाड़ी यहाँ पे और बेहतर कंडीशन में आपको यहाँ पे मिलेगा। और इन सारे व्हीकल्स के बारे में हमें डिटेल्स में बताएंगे इसका जो ओनर है वो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो बुलाते हैं शोरूम के जो ओनर है उनको। ऋषि भैया नमस्ते। नमस्ते, कैसे? एकदम बढ़िया। उसके पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपके जो शोरूम का जो एड्रेस है वो बता दीजिए एक बार। ये है चालसा मंगलबाड़ी पे, मंगलबारी बाजार में है चालसा में जी। और ये आपका एक ही मतलब सेकंड हैंड शोरूम में ब्रांच एक ही है आपका मंगलबारी में? एक ही है। तो शुरू करते हैं पहले गाड़ी से। तो पहले इस गाड़ी पे, ये वैगनर है, ये 2018 का मॉडल है। ये जितना आपका बजट में आ सकेगा हम लोग जितना कम करने सकेंगे उतना कम कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और किलोमीटर कितना चला इसका? ये 75 करीबन होगा, 75,000 के आसपास किलोमीटर चला है इसका। कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, 2018 का VXI मॉडल है वैगनर। और टायर कंडीशन आपको दिखाएंगे, क्योंकि आपको क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है आप जब भी फोर व्हीलर लेने जाओ तब। टायर कंडीशन आप लोग देख सकते हो, और स्टेपनी का क्या रिपोर्ट है भैया? स्टेपनी भी एकदम अच्छा है, जैसा एकदम स्टेपनी न्यू है, स्टेपनी ब्रांड न्यू कंडीशन में है। और गाड़ी आप लोग देख सकते हैं टॉप नॉच कंडीशन में, यहाँ पे स्क्रैचलेस लगभग। अगर आप प्रियोन गाड़ी लेने जाओ तो थोड़ा बहुत स्क्रैच आपको मिलेगा, स्क्रैच विदाउट स्क्रैच वो आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो भाई वो रिपेंट किया गया है, लेकिन ये ओरिजिनल पेंट है बम्पर टू बम्पर। क्यों भैया आप इधर आ जाइए, आप कहे से पीछे। आपको इंटीरियर भी आप दिखाएंगे हम लोग इंटीरियर भी, और दिखा दो भाई इंटीरियर एक बार कैसा है। लोगों को क्लेरिफिकेशन मिलना चाहिए, हाँ कोई फेक यह सब नहीं हो रहा है। इंटीरियर दिखा दो, बहुत बढ़िया इंटीरियर है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं सीधा भैया दूसरे गाड़ी की तरफ, इधर आ जाइए। अभी आते हैं दूसरी गाड़ी की तरफ, ये भी है मारुति सुजुकी वैगनआर, और इसका डिटेल्स भैया बता दीजिए आप। ये 2009 का मॉडल है, ये पड़ जाएगा आपका 95,000। 95,000 ओनली, ये किलोमीटर नहीं है 95,000, ये 95,000 आस्किंग प्राइस है। और किलोमीटर कितना चला है इसका लगभग? ये किलोमीटर 85,000 के आसपास किलोमीटर चला है इसका, और 95,000 आस्किंग है, मिल तो है भाई। और टायर कंडीशन आप लोग देख सकते हो भैया, टायर कंडीशन दिखाओ, और इंटीरियर भी एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को। इधर आ जाओ, इंटीरियर दिखाते हैं, ये दिखाना बहुत जरूरी होता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, धीरे से दिखा दो। हाँ बहुत बढ़िया, इंटीरियर एकदम क्लीन है, नीट एंड क्लीन इंटीरियर रखा गया है यहाँ पे। भैया रिफाइनेंस हो जाएगा? हाँ रिफाइनेंस हो जाएगा। अगर 95,000 का ये गाड़ी है, ये आप रिफाइनेंस हम लोग करने आते हैं, तो डाउन पेमेंट हमें कितना देना होगा? 45 देने से हम 50 डाउन किए लोन करवा देंगे। 45,000 आपको डाउन पेमेंट करने से 50,000 का लोन आपका हो जाएगा। और ये प्राइस जो 95,000 आस्किंग प्राइस है, नेगोशिएबल है। हाँ। ये कम हो जाएगा, और जो लोग हमारे चैनल से आएगा उसके लिए क्या डिस्काउंट है? मिल जाएगा, कर देंगे आप लोग डिस्काउंट भी हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा। मतलब आप सोच सकते हो कितना प्राइस आएगा इसका। तो अभी बढ़ते हैं अगले गाड़ी की तरफ, ये है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, इसके बारे में बता दीजिए। ये 2014 का मॉडल है, इसका प्राइस पड़ जाएगा आपका 3,40,000। 3,40,000 इसका प्राइस पड़ेगा। 2014 का मॉडल है स्विफ्ट, 29 तक पेपर अपडेट है इसका, 29 तक पेपर अपडेट है। स्टेपनी एकदम ब्रांड न्यू, ब्रांड न्यू कंडीशन में स्टेपनी है इसका। और किलोमीटर कितना चला इसका? ये एक्चुअली डॉक्टर का गाड़ी, ये ज्यादा चला नहीं है,
यही ढूंढते हैं कि डॉक्टर का गाड़ी हो। हाँ, ये 35,000 चला हुआ। 35,000 चला है सिर्फ, और टायर कंडीशन दिखाओ भाई, और इधर आ जाओ इंटीरियर भी एक बार दिखा दो लोगों को, दिखा दो इंटीरियर। हाँ, डॉक्टर का गाड़ी है तो भाई आप आग बंद करके ले सकते हो भाई, ज्यादा चला भी नहीं और नीट एंड क्लीन तो रहता ही है। बम्पर ओरिजिनल पेंट में है गाड़ी, जितना भी गाड़ी यहाँ पे बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल। तो अभी आते हैं इस गाड़ी की तरफ, तो ये है मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, उसका बड़ा भाई ये। तो ये कौन सा मॉडल है? ये 2021 का मॉडल है। 2021 का मॉडल है, और किलोमीटर कितना चला है इसका? ये ज्यादा नहीं, 20,000 चला हुआ है। 20,000 चला हुआ किलोमीटर, और प्राइस क्या रखा है इसका भैया? इसका प्राइस रखा है 6,70,000। 6,70,000 इसका प्राइस पड़ जाएगा, ये आपका आस्किंग प्राइस है। अगर कोई इसे फाइनेंस करवाना चाहे तो आपको वो हो जाएगा। और डाउन पेमेंट कितना देना होगा? 2,00,000 तक डाउन देने से, 2,00,000 तक डाउन देने से बाकी आपका रिफाइनेंस हो जाएगा। और ये प्राइस नेगोशिएबल है, और जो लोग हमारे चैनल से आएगा, व्हीली बर्नर चैनल की तरफ से आएंगे, उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी है। क्यों भैया, देंगे ना? डिस्काउंट है। और इसका स्टेपनी भी लगभग न्यू है, एकदम न्यू है। और टायर कंडीशन दिखाओ भाई, यहाँ पे टायर कंडीशन भी सही है, और यहाँ पे छोटा मोटा डेंट तो रहता ही भाई, प्री ओन्ड गाड़ी है तो छोटा मोटा डेंट रहेगा, थोड़ा सा। और इसका भी इंटीरियर दिखा देते हैं, सबका इंटीरियर दिखाएंगे आज। पीछे आ जाओ भाई, इंटीरियर दिखाओ, एकदम नीट एंड क्लीन इंटीरियर रखा गया है। डैशबोर्ड एकदम क्लीन है डैशबोर्ड। अभी आते हैं एक और वैगनआर की तरफ, जो लोग ज्यादा ढूंढते हैं, लोग आजकल वैगनआर की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो यहाँ पे वैगनआर की कलेक्शन भी बहुत ज्यादा है, 3-3 वैगनआर है यहाँ पे। इसके बारे में बता दीजिए भैया। ये 2015 का मॉडल है, 2015 का मॉडल है। LXi VXi कौन सा वेरियंट? VXi मॉडल, VXi वेरियंट है। और किलोमीटर कितना चला है इसका? ये 40,000 अराउंड किलोमीटर चला है इसका। और आस्किंग क्या रखा है इसका? प्राइस रखा हुआ है 2,70,000। 2,70,000 आस्किंग प्राइस है, ये प्राइस नेगोशिएबल है, और ये रिफाइनेंस भी हो जाएगा। टायर कंडीशन भी एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में है यहाँ पे टायर, क्योंकि ज्यादा चली नहीं है। और स्टेपनी भी लगभग अनयूज्ड, स्टेपनी भी एकदम न्यू है, स्टेपनी भी अनयूज्ड है। और यहाँ पे आ जाओ भैया, इंटीरियर भी दिखा दो इस गाड़ी का भी, इसका भी इंटीरियर दिखा दो एक बार। आते हैं अगली गाड़ी की तरफ, जो इस स्टॉक की लास्ट गाड़ी है हमारी, वो है द लॉर्ड ऑल्टो। ये कौन सा मॉडल है भैया? ये 2015 का मॉडल है। 2015 का ऑल्टो 800 या फिर के? ऑल्टो 800, ऑल्टो 800 है, 2015 का, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट है, एकदम ओरिजिनल पेंट, और लगभग स्क्रैचलेस कंडीशन में ही है यहाँ पे। और इसका कंडीशन के मतलब आस्किंग प्राइस क्या रखा है इसका? इसका प्राइस रखा हुआ है 1,90,000। 1,90,000 इसका आस्किंग प्राइस है। और अगर 1,90,000 में हम फाइनेंस करने जाए तो डाउन पेमेंट आपको कितना देना होगा? जितना हम सकेंगे, आप जितना आपका बजट में आ सके, जितना 50,000 60,000 70,000 1,00,000 जितना भी आप दे सकते हैं उतना दे के ये गाड़ी आप घर ले जा सकते हैं, है ना? और ये VXi मॉडल है, किलोमीटर कितना चला है लगभग? ये 50,000 50,000 अराउंड किलोमीटर चला है। और इंटीरियर दिखा दो भाई, इंटीरियर दिखाना बहुत जरूरी है, ताकि लोग ना बोले कि हाँ इंटीरियर से कैसा है भाई, सब कुछ दिखाना जरूरी है, दिखा दो। और यहाँ पे टायर भी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में ही है, चारों के चारों टायर दिखा दो एक बार भाई, टायर भी लगभग सही है अभी तक, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, इसमें कोई चीज का भी दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा, अभी एक बारी में बता दीजिए भैया, आप इस तरफ आ जाइए, एक बारी में छह गाड़ियों के बारे में एक ही सवाल पूछेंगे आपसे, छह गाड़ियां फास्ट ओनर है ना? कुछ कुछ तो दो नंबर ओनर, ये कौन सा ओनर? ये फर्स्ट ओनर, ये फर्स्ट ओनर है, पहले वाला फर्स्ट ओनर है, दूसरा वाला वो सेकंड ओनर है, दूसरा वैगनआर सेकंड ओनर है, और तीसरा स्विफ्ट वो भी सेकंड ओनर होगा, वो भी सेकंड ओनर होगा, लेकिन कंडीशन एकदम बढ़िया है। और फिर आता है डिजायर, डिजायर फर्स्ट ओनर है, डिजायर फर्स्ट ओनर व्हीकल यहाँ पे है। और ये वाला वैगनआर ये भी फर्स्ट ओनर पड़ेगा, और ये भी फर्स्ट ओनर, ये भी फर्स्ट ओनर पड़ेगा। मतलब सिर्फ ये दो गाड़ियां छोड़ के, एक वैगनआर और एक स्विफ्ट छोड़ के, बाकी सारे गाड़ियां यहाँ पे फर्स्ट ओनर आपको मिलेगा, और अंडर बजट में। सिर्फ यही पे नहीं, एक और स्पेशल गाड़ी है जो भैया ने छुपा के रखा था अभी तक, वो क्या है? रोड की उस तरफ दिखाओ भाई, XUV500 चीता डिजाइन जो है, महिंद्रा का जो चीता होता है वो खड़ा है यहाँ पे, और उसके डिटेल्स भी हम जानेंगे, तो चलते हैं वहां पे। चलिए भैया, आ गए हम XUV500 की तरफ। तो भैया यहाँ पे जो कंडीशन आप लोग देख सकते हो भाई, नजदीक से दिखाओ कंडीशन XUV500 का, क्योंकि यही है असली हथियार भैया का। क्यों भैया जी? और इसके बारे में बता दीजिए आप। ये 2013 का मॉडल है, 2013 मॉडल है, ये पड़ जाएगा 4,20,000। 4,20,000 में ये आपका हो जाएगा। और डाउन पेमेंट कितना देना होगा इसका रिफाइनेंस के लिए?
1,20,000 देने से सारा लोन हो जाएगा। 1,20,000 डाउन पेमेंट देने से आपको ये लोन हो जाएगा। और इंटीरियर से दिखाओ भाई, यहाँ पे आओ इंटीरियर दिखा दो एक बार। बहुत बढ़िया। और स्टेपनी का क्या हाल है? स्टेपनी भी न्यू है, स्टेपनी भी न्यू है। और बस गाड़ी का स्टॉक आज यही तक है। और अगर आपको शोरूम का कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका शोरूम का एड्रेस, डिटेल्स, फोन नंबर सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे बोर्ड पे भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर अभी आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, इस नंबर से आप कॉल करके भैया से बात कर सकते हो, प्रोडक्ट के बारे में आपका जो भी जानकारी आप ले सकते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों का मन में जो सवाल है और जो जवाब आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है वो पूछ लेते हैं भैया से। ये जो रिफाइनेंस होगा ये कहाँ तक होगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट तक अवेलेबल होगा? अलीपुर, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी ये सब में हो जाएगा। अलीपुर, जलपाईगुड़ी, कुचबिहार या फिर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, मतलब सिलीगुड़ी के एरिया के आसपास जो भी है डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे रिफाइनेंस हो जाएगा। और ये ओनरशिप का चेंज करने का क्या फंडा है आपका, मतलब ओनरशिप की आप लोग करवा तो दोगे या फिर पार्टी को करना होगा? ना, वो अगर पार्टी बोलेंगे कि हाँ आप कर दीजिए। अच्छा। तो वो हम करवा देंगे, लेकिन वो अमाउंट जो लगता है वो आप लोग को पार्टी को देना पड़ेगा। आप लोग हाँ। आप लोग खुद से ओनरशिप चेंज करके नहीं देंगे? नहीं, ये असली फंडा, ये लोग ओनरशिप चेंज करके नहीं देंगे आप लोगों को अमाउंट। अगर आप लोग नहीं भागना चाहते तो इनको डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, ये लोग करवा के देंगे। और रिफाइनेंस जो है अलीपुर द्वार, कुचबिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग ये सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको मिल जाएगा रिफाइनेंस। तो फिलहाल आज की इस वीडियो यही तक है, बाकी दोबारा जरूर आएंगे। और रिफाइनेंस ओनरशिप चेंजेस के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड, यही तीनों। आधार, पैन और वोटर कार्ड से आपका नेम ट्रांसफर हो जाएगा। तो वीडियो यही पे क्लोज करते हैं, दोबारा आएंगे, दोबारा आपको नया स्टॉक दिखाएंगे बिल्कुल। तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।